नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आपकी ही डिमांड पर। दोस्तों, आपने कई बार मुझसे पूछा है कि मैं अपनी वीडियो एडिट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ और उसे कैसे एडिट करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वंडरशेयर फिल्मोरा के बारे में, जो कि एक बहुत ही इजी एंड सिंपल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई वंडरशेयर फिल्मोरा प्रोडक्शन। मैं इस वीडियो में आपको एक वंडरशेयर फिल्मोरा का एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि ये कितना इजी और सिंपल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और आप इसे बड़ी आसानी से एक या दो घंटे में ही, या बल्कि एक दिन में ही ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सीख सकते हैं और बड़ी आसानी से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम पहले वंडरशेयर फिल्मोरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस लाल बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो पहुंच सके आप तक सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं वंडरशेयर फिल्मोरा की ऑफिशियल वेबसाइट के लिए। उसके लिए हमें ब्राउजर में ऊपर लिखना होगा फिल्मोरा wondershare.com। आप यहाँ देख सकते हैं फिल्मोरा wondershare.com हमें लिखने के बाद यहाँ पर एंटर करना है। तो दोस्तों, यह है फिल्मोरा की एक ऑफिशियल वेबसाइट। इससे आप वंडरशेयर फिल्मोरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये फ्री डाउनलोड है और अब जब आपको इसकी आदत पड़ जाए, आपको इजी लगे और आप इसको सीख जाएं, तो आप इसको यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह है फिल्मोरा का सिंपल इंटरफेस। चलिए इसमें बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमारे सभी इंपोर्ट मीडिया फाइल्स होती हैं, यानी कंप्यूटर से फाइल्स को मीडिया का इंपोर्ट करके यहाँ ले आते हैं। ये हमारी वाइड स्क्रीन जहाँ पर हमारी सारी वीडियो प्ले होंगी और ये है टाइमलाइन। इसी टाइमलाइन पर हम सारी एडिटिंग करते हैं। यहाँ देखिए मीडिया, म्यूजिक, टेक्स्ट, ट्रांजिशन, फिल्टर, ओवरले, एलिमेंट, स्प्लिट स्क्रीन और एक्सपोर्ट के आइकन दे रखे हैं। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, आपको बताएंगे थोड़ा थोड़ा सबके बारे में। तो चलिए इंपोर्ट करते हैं कुछ फाइल्स को। मैं यहाँ पर कुछ वीडियो डाउनलोड करने के लिए एक अपना एक इंट्रो, एक एक्स्ट्रा वीडियो और ये इसमें जितनी वीडियो हम इसको एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं, देखिए ये यहाँ आ जाएंगे। अब इसमें से मैंने चलिए एक वीडियो ये ले ली, इसको ड्रैग करके हम यहाँ टाइमलाइन पर लेके आएंगे। और देखिए टाइमलाइन ये है, इसके पास हम ये इस तरह से यहाँ पर ड्रैग करके देख सकते हैं। ये यहाँ से प्ले होगी, हम देख सकते हैं इसको यहाँ से प्ले करने के लिए। अब अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो के सारे फंक्शंस हैं वो यहाँ खुल जाते हैं। इसका कॉन्ट्रास्ट है, सैचुरेशन है, ब्राइटनेस है, टिंट है, इनको सेटिंग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे हमें चेंज करना हो वैसे कर सकते हैं और चाहें तो इस स्क्रीन को रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेटिंग का भी यहाँ पर दे रखा है, स्प्लिट का है, इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें ये पसंद नहीं आया तो हम इसको फिर से रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक किसी इमेज को इंपोर्ट करें और इमेज के लिए मैं चलिए अपनी ही एक इमेज ले लेता हूँ। ऐसे मैंने ये अपनी इमेज ले ली है और मैं इसको ड्रैग करके इसके नीचे सेकंड वीडियो लाइन पर लाता हूँ। और देखिए मैं इसको यहाँ अब एडिट कर सकता हूँ। ध्यान रखिए कि हमें इसको एडिट करने के लिए वीडियो का पॉज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो पॉज नहीं होगी तो यहाँ पर ये हम इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। देखिए ये मेरी इमेज इस पर ओवरले हो गई है और ये तब तक रहना चाहिए जब तक हम इसको ड्रैग करके आगे तक ले जा सकते हैं। ये तभी तक वीडियो पर बनी रहेगी। अब ये लास्ट तक इस पर वीडियो पर बनी रहेगी। तो हम ड्रैग करके इनको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जहाँ तक हमें इसकी ज़रूरत है वहाँ तक हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। जैसे कि हम अक्सर यूट्यूबर्स अपनी वीडियो पर अपना लोगो पूरी वीडियो पर लगाते हैं, तो इस वो इसी तरह से लगाते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं म्यूजिक की। तो इसमें से चलिए हम एक म्यूजिक को ड्रैग करके म्यूजिक के लाइन में लाते हैं। और देखिए एक्स्ट्रा है तो इसको हम या तो ड्रैग करके इसे छोटा कर सकते हैं या फिर जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक इसको ड्रैग करके और स्प्लिट के द्वारा इसको तोड़ सकते हैं और बाकी को डिलीट कर सकते हैं। तो अब ये बैकग्राउंड म्यूजिक इसमें रन करेगा और बैकग्राउंड म्यूजिक हमारा बहुत ही कम होना चाहिए, तो इसलिए इस पर डबल क्लिक करिए और यहाँ पर जो है वॉल्यूम हमारा 9 या 10 के आसपास ही रखना है, क्योंकि बैक में चलने वाला म्यूजिक बहुत ही स्लो होना चाहिए। तो हम ये 9 या 10 म्यूजिक रखेंगे और ये इसके पीछे लेट हो जाएगा। तो यहाँ म्यूजिक इम्पोर्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भी यूज करके यहाँ पर इम्पोर्ट करके वीडियो को लगा सकते हैं। टेक्स्ट में आता है हमारा कोई भी टेक्स्ट, जैसे हम एक टाइटल बेस बनाना चाहते हैं या इंट्रो भी बनाना चाहते हैं तो उसको नेक्स्ट आगे ला सकते हैं। और इस पर टेक्स्ट सेक्शन पर डबल क्लिक करके हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा
वेलकम, इसको हम सेंटर में ले आएंगे और इस पे चैनल का नाम दे सकते हैं गोविंद गोपाल। हम देखिए, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से ये मेरा एक इंट्रो बन गया है, बहुत ही सिंपल इंट्रो बन गया है। कुछ ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं पड़ा, बस वहाँ से एक एग्जांपल हमें लेना पड़ा, एक सैंपल हमें लेना पड़ा और हमने वहाँ से एडिट कर लिया है। तो ऐसे ही इसमें कई सैंपल हैं, इनको हम यहाँ से डाउनलोड करके इस तरह से यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें टेक्स्ट में ओपनर भी हैं, टाइटल्स भी हैं, टाइटल्स भी हमारे सेम है। देखिए, इसमें हम डबल क्लिक करके इसका सैंपल यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से ये प्ले होगा, ये इस तरीके से होगा। यहाँ कई तरह से हैं, लोअर थर्ड में भी है हमारे पास, और लोअर थर्ड का मीन्स है कि ये वीडियो के साथ प्ले करेगा, जहाँ हमारी वीडियो चल रही है उसी के साथ नीचे प्ले करेगा। जैसे मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, और देखिए ये डाउनलोडेड नहीं है मेरे पास, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा पहले। जैसे ये पहले से डाउनलोड है, चलो इसके लिए आते हैं और इसको प्ले करते हैं। तो देखिए, ये वीडियो के संग यहाँ पर हेडलाइन आएगी, यहाँ आप अपना इंट्रो दे सकते हैं कि ये बैठे हैं, इनका नाम क्या है, हम इंट्रोडक्शन वगैरह यहाँ दे सकते हैं। ट्रांजिशन का मतलब है कि हम किसी भी दो वीडियो के बीच में या दो इमेजेस के बीच में ट्रांजिशन लगा सकते हैं कि वो दोनों किस तरीके से एक दूसरे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ, इन दोनों इमेजेस के बीच में ये वाला ट्रांजिशन लगा देता हूँ ड्रैग करके, और देखिए कि जब ये प्ले होगा तो ट्रांजिशन कैसे शो होगा। देखिए, इस तरीके से ट्रांजिशन हम लगा सकते हैं, इनका यूज़ करें। फिल्टर का यूज हमारा है सिंपली, वीडियो में हमारा फिल्टर कैसे यूज होना, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, और ये हमने देखिए इसमें इस तरह से फिल्टर यूज हो रहे हैं, ये वीडियो पर ओवरले हो जाएंगे। देखिए वीडियो इस तरह से, जो भी हमें अच्छा लगेगा हम इसको ड्रैग करके इस वीडियो के नीचे ले आएंगे, जहाँ तक हमें चाहिए इफेक्ट वहाँ तक उसको ड्रैग कर सकते हैं, जहाँ से नहीं चाहिए वहाँ उसको नहीं रखेंगे। तो अभी हमने यहाँ नहीं रखा है, और यहाँ से देखिए स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से हम फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। ओवरले में हम इस वीडियो स्क्रीन पर एक इस तरह से देखिए इसमें दे रखा है, इसी के जस्ट ऊपर इस तरह से हम इसको लेके आ सकते हैं। ये इसके यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है इसका, अगर हमें ये अच्छा लग रहा है तो हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, और इसको जहाँ तक हमें दिखाना है इसको लेके आ सकते हैं। देखिए ये हमारा प्रीव्यू दिखा रहा है इसका। एलिमेंट में हमारे पास ये ड्रैग करके वीडियो की तरफ जब हम इसको लेके आएंगे तो ये वीडियो के ऊपर ही देखिए एज ए पिक्चर की तरह हम इसको एडिट कर सकते हैं और यहाँ लगा सकते हैं लास्ट में। अब इसको प्ले करके देखेंगे, देखिए यहाँ आ रहा है, जैसे ये हर्ट है, मैं हर्ट को लेके आता हूँ और हर्ट को एडिट करता हूँ, सिंपल सा है, इसको स्मॉल करके यहाँ बीच में लगा देते हैं, और देखिए तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं जो इसमें काफ़ी दे रखे हैं, किसी उनको हम ये वीडियो में यूज कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन का यूज हम डबल वीडियो को एक साथ एक ही स्क्रीन पर देखने के लिए करते हैं। जब भी हम किसी स्प्लिट स्क्रीन को देख रहे हैं, कितने देखते हैं, जैसे कि टीवी में आपने देखा होगा डिबेट करते वक्त तीन चार लोग सामने बैठे होते हैं और सबका चेहरा दिखाई देता है, ऐसे ही इसमें भी हम ऐसी वीडियो बना सकते हैं। और नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं एक्सपोर्ट पर। देखिए एक्सपोर्ट में हमारे पास यहाँ इतने वीडियो फॉर्मेट हैं, और यहाँ पर हम फाइल का नाम देंगे, और जहाँ पर हमें फाइल सेव करनी है वहाँ पर हम अपना पाथ भी दे सकते हैं, और इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं बेस्ट बेटर गुड के हिसाब से। देखिए यहाँ सेटिंग है, और उसके बाद हमें एक्सपोर्ट कर देंगे। तो दोस्तों, ये था वेंडर सेव फिल्मोरा का एक ओवरव्यू, और भी काफ़ी इसमें काफ़ी चीज़ें मुझे बताने के लिए रह गई हैं, लेकिन इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसमें एक से एक एक ट्यूटोरियल वीडियो आपको संडे टू संडे देता रहूँ, ताकि आप भी मेरी तरह वीडियो एडिटिंग करके एक यूट्यूबर बन सकें और वीडियो को अपलोड कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।